फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड इवनिंग गाइस। तो अभी शाम के 4:30 बज रहा है और आज है मंडे और अभी मैं तो उठ गई हूँ, लेकिन यहाँ पर पीछे मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं और मैं अभी जा रही हूँ किचन में। आज इन दोनों की कुछ फरमाइश है मुझसे कि मुझे मम्मा मुझे अभी चाहिए और आज मैं इनके लिए कुछ अच्छा बनाने वाली हूँ जो कि इन दोनों का बहुत ज़्यादा फेवरेट है और उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और आज के इस ब्लॉग में मैं आपके साथ मेरा इवनिंग टू नाइट मेरा रूटीन कैसा रहता है ये सब शेयर करने वाली हूँ। तो अभी बच्चे तो पीछे सो रहे हैं और इनका भी अभी फ़ोन आ गया है कि अभी थोड़ी देर में आएंगे, तो मैं किचन में जाऊँगी अभी और बनाऊँगी चाय और चाय के साथ कुछ खाने के लिए बनाऊँगी। तो क्या बनाने वाली हूँ इसके लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल का बटन होता है उस पर जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आपको आज का ही मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का ही मेरा वीडियो कैसा लगा। सो फ्रेंड्स, अभी 4:30 बजे हैं और पीछे यहाँ पर मेरे बच्चे सो रहे हैं, जो कि हमेशा की तरह मेरा एक रूटीन है। स्कूल से आने के बाद मैं बच्चों को थोड़ी देर के लिए सुला देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में बच्चों को बहुत जल्दी उठना पड़ता है। बेटे का स्कूल सुबह बहुत जल्दी है, तो सुबह मैं भी बहुत जल्दी उठती हूँ और बेटे को भी बहुत जल्दी उठना पड़ता है। तो दोपहर को जब बच्चे आ जाते हैं उसके बाद मैं भी 1 घंटे के लिए लेट जाती हूँ, बच्चों को भी साथ में लेटाती हूँ, तो बच्चे तो लेटते ही सो जाते हैं। तो अभी वो थोड़ी देर और सोने वाले हैं, तो जब तक ये दोनों सोएंगे तब तक मैं इनके लिए कुछ खाने के लिए जल्दी से तैयार कर लेती हूँ और आज आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो चलिए जल्दी से चलते हैं किचन में। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर मैं बच्चों के लिए बनाने वाली हूँ चॉकलेट कपकेक। तो चॉकलेट कपकेक के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मैंने यहाँ पर सभी इंग्रेडिएंट्स को किचन में निकाल कर पहले से रख लिया है। ऐसा करने से सभी काम में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक ये बड़े से बाउल में एक बड़े साइज की छलनी को रखा है और उसके बाद मैंने यहाँ पर इसमें ये 1 कप मैदा को डाल दिया है और मैंने यहाँ पर ये जो चाय वाला कप होता है उसी से मैदा को मेज़र कर लिया है। और सबसे पहले मैं यहाँ पर मैदा को बाउल में इस तरीके से छान लूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और दोनों ही चीज़ों को डालकर हम इसे छान लेंगे। और उसके बाद इसमें मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 1 चम्मच कोको पाउडर या फिर चॉकलेट पाउडर, जो भी आपके पास हो। और ये मेरा लगभग ख़त्म हो रहा था तो यहाँ पर 1/2 स्पून और होगा इसमें, तो मैंने यहाँ पर पूरे ही पाउडर को डाल दिया है और हम इसे अच्छे से छान लेंगे। और छानने के बाद 1 स्पून लेकर हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अभी हमने यहाँ पर इसको मिक्स कर लिया है और मैंने यहाँ पर एक ये दूसरे बाउल में 100 ग्राम साल्टेड बटर ले लिया है, जो कि नॉर्मल हमारा रेगुलर बटर होता है। और अगर आपके पास अनसाल्टेड बटर हो तो फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ये 1/2 कप शुगर पाउडर लिया है, जो कि मैंने घर पर ही बनाया है। तो मैंने 1 कप इसी कप से नाप कर मैदा ली थी और इसी कप से मैंने यहाँ पर ये शुगर पाउडर को नाप लिया है। तो हम यहाँ पर शुगर को बटर के अंदर डाल देंगे और हम इसे तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि शुगर जो है बटर में अच्छे से मिक्स ना हो जाए। और उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस और इसको मैंने बटर में डाल दिया है। तो हम यहाँ पर इसे स्पून से अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने यहाँ पर जो पहले बाउल में इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए थे उन सभी को हम इसी बाउल में डाल लेंगे और उसके बाद हम इसे स्पून से अच्छे से मिक्स करेंगे। हम यहाँ पर पहले इसको अच्छे से इस तरीके से बटर में अच्छे से मिक्स कर देख लेंगे, अगर ये हमें बैटर जो है गाढ़ा लग रहा है तो फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा कर दूध डालते हुए इस बैटर को एक गाढ़ा सा घोल बनाकर इसका तैयार कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, ये बैटर अभी बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो मैं यहाँ पर स्पून से इस तरीके से थोड़ा सा दूध डालूँगी। मैंने यहाँ पर अभी 4 चम्मच दूध का इस्तेमाल किया है। तो हम इसे पहले मिक्स कर देख लेंगे, अगर हमें ये गाढ़ा लगेगा तो फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध और डालेंगे और दूध डालते हुए हम इसको अच्छे से इस तरीके से मिक्स करते हुए इसका एक गाढ़ा सा बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ये 2 एल्युमिनियम फॉइल के छोटे से बाउल लिए हैं। एक्चुअली गाइस, मैं यहाँ पर आपको 2 तरीके से ये बनाकर दिखाने वाली हूँ, ये जो हम चॉकलेट कपकेक बना रहे हैं।
तो मैं यहाँ पर पहले इसमें बैटर डाल दूँगी। और ये अभी सर्दी बहुत ज़्यादा है तो हमने यहाँ पर जो बटर यूज़ किया है, बटर बहुत जल्दी जम रहा है, इसकी वजह से ये बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर अभी थोड़ा सा दूध और डाल दिया है। और आप देख सकते हैं हमें इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से रखनी है, और हम इस बैटर को थोड़ा सा स्पून से इस तरीके से इस बाउल में डाल देंगे, और हम इसको थोड़ा सा खाली रखेंगे क्योंकि ये बेक होते समय थोड़ा सा फूल कर ऊपर की तरफ हो जाता है। और एक्चुअली मैंने यहाँ पर ये सोचा था उस टाइम पर कि मैं आपके साथ ये कुकर में भी बनाकर दिखाऊंगी और माइक्रोवेव में भी बनाकर दिखाऊंगी, बट आई एम सो रियली वेरी सॉरी फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर मेरा मूड चेंज हो गया, तो फिर मेरा जो सिल्वर फॉइल में जो हमने बाउल में बैटर डाला था उसको भी मैंने यहाँ पर ये प्लास्टिक के बाउल्स में ही ट्रांसफ़र कर लिया है, और इन सभी चीज़ों को मैं यहाँ पर माइक्रोवेव में रख रही हूँ। और मैंने यहाँ पर जो टाइमर है 180 डिग्री पर 22-25 मिनट के लिए इसको रख दिया है, और दूसरी तरफ मैं यहाँ पर बना रही हूँ चाय, और एक साइड मैंने गैस पर रखा हुआ है गर्म पानी, ये भी मेरे इवनिंग रूटीन में ही शामिल होता है क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है, तो मैं एक केतली में गर्म पानी शाम को भरकर रखती हूँ, और ठंडे पानी का जग और गर्म पानी का जग दोनों ही मेरी टेबल पर रहते हैं, जिससे कि बच्चों को जब भी पानी पीना हो तो वो अपने आप मिक्स कर कर पीते रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने पानी तो रख दिया है, और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर एक बाउल को पहले रखा था, और उसके बाद मैंने अभी दो बाउल और रखे थे, तो अभी दूसरे वाले बाउल हैं वो केक रेडी नहीं हुआ है, और ये एक बाउल का केक रेडी हो गया है, और आप देख सकते हैं ये फूलने के बाद पूरा ऊपर तक आ गया है। तो हम इसको पहले इस तरीके से नाइफ से इसको चेक कर लेंगे, और आप देख सकते हैं ये जो हमारा चॉकलेट कप केक है बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो गया है, और मेरे पास जो चॉकलेट कंपाउंड की चॉकलेट थी उसको भी मैंने ऊपर से छोटे छोटे टुकड़ों में डाला था, और ये देखने में बहुत अच्छी लग रही है, तो मैंने यहाँ पर बच्चों को ये चॉकलेट कप केक खाने के लिए दे दिया है। सो फ्रेंड्स, बच्चों के केक खाने के बाद और हम लोगों ने चाय भी पी ली है, उसके बाद अभी हम लोग आ गए हैं बेडरूम में, और यहाँ पर मैंने बच्चों को पढ़ने के लिए बिठाया हुआ है, और उसके साथ ही अभी इनको कुछ काम है तो मेरा लैपटॉप ये यूज़ कर रहे हैं अपने काम के लिए, तो मैं यहाँ पर अभी थोड़ा सा चार्जर लगा कर दे रही हूँ इनको। फ्रेंड्स, शाम को मेरा यही रूटीन रहता है बच्चों को स्नैक वगैरह देने के बाद, और मैं बच्चों को यहाँ पर पढ़ने के लिए बिठा देती हूँ क्योंकि सोने के बाद बच्चे जो है थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं, और यहाँ पर मैं थोड़ी देर बच्चों को होमवर्क कराऊंगी, और फिर उन बच्चों को पढ़ाने के बाद मैं फिर से जाऊंगी किचन में और मैं तैयारी करूंगी डिनर की। सो फ्रेंड्स, बच्चों की पढ़ाई हो गई है और उसके बाद अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पर मैं बनाऊंगी डिनर। तो मैं जो डिनर में बनाने वाली हूँ उसके लिए मुझे जो भी प्रिपरेशंस करनी है मैंने यहाँ पर सभी तैयारियाँ कर ली हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या क्या तैयारियाँ की हैं तो मैं आपको बताऊँ, मैंने यहाँ पर अभी आटे को निकाल कर रख लिया है, और उसके साथ ही मैं यहाँ पर बनाऊंगी चटनी। तो चटनी के लिए मैंने हरा धनिया, लहसुन और हरी मिर्च इन सभी को काट कर धोकर अच्छे से रख लिया है, और यहाँ पर सब्जी के लिए मैंने टमाटर और एक हरी मिर्च को धोकर काट कर रखा है, और सब्जी में डालने के लिए जो हरा धनिया यहाँ पर मैंने कट कर इस तरीके से भी पानी में डालकर रख दिया है, और आलू को मैंने बॉईल कर लिया है। इतनी मतलब लगभग मेरी सारी प्रिपरेशंस हो गई हैं, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले चटनी बनाऊंगी और टमाटर को अभी मिक्सर में डालकर पीस लूंगी, और उसके साथ ही यहाँ पर बस आलू छीलने के लिए है। तो मैं और इस तरीके से अगर प्रिपरेशन पहले से कर लो तो फिर खाना बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और जो हमारा डिनर है बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पर मुझे टमाटर की ग्रेवी बनानी है, तो मैंने यहाँ पर ये टमाटर और एक हरी मिर्च को पीस लिया है, और इसको मैं एक बाउल में निकाल लूँगी, और उसके बाद इसी मिक्सर जार में मैं यहाँ पर चटनी बनाऊँगी। तो चटनी के लिए मैंने यहाँ पर हरा धनिया, लहसुन, हरी मिर्च, नमक और थोड़ा सा आमचूर पाउडर, क्योंकि आज सर्दी बहुत ज़्यादा है तो मैं यहाँ पर नींबू का यूज़ नहीं कर रही हूँ, और मैं यहाँ पर चटनी को भी पीस लूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर चटनी तो पीस गई है, और मैंने यहाँ पर जो टमाटर की प्यूरी बनाई थी तो टमाटर का जूस थोड़ा सा मिक्सर के ऊपर गिर गया है, तो मैंने यहाँ पर एक कपड़े से इसको हैंड टू हैंड क्लीन कर दिया है। अगर इस तरीके से काम करो तो फिर काम जल्दी भी ख़त्म हो जाता है और आगे के लिए कुछ भी रह नहीं जाता है। और उसके बाद मैं यहाँ पर लगाऊंगी सबसे पहले आटा, तो आटे को मैंने पहले ही निकाल कर रख दिया था,
और यहाँ पर मैं डिनर में बना रही हूँ टमाटर आलू की सब्जी और आलू की कचौड़ी। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैं आपके साथ शेयर करूँ कि मैं आलू की कचौड़ी कैसे बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर आटे में अभी नमक डाला है और मैं यहाँ पर थोड़ी सी अजवाइन डालूँगी, क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में अजवाइन बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आटे में थोड़ी सी अजवाइन मिलाई है और मैं यहाँ पर आटे को लगाकर थोड़ी देर के लिए रख दूंगी। तो आटा जब तक रेडी होगा तब तक हम सब्जी बनाकर तैयार कर लेंगे। और आटा लगाने के बाद सबसे लास्ट में मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल इस तरीके से आटे के ऊपर लगा दिया है, जिससे कि आटे में अच्छी सी चिकनाहट आ जाए। और जो कचौड़ी का आटा होता है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, ये आटा बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। जो हम रोटी का आटा लगाते हैं उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। अगर इस तरीके का आटा आप लगाएंगे तो कचौड़ियाँ हमारी बहुत सॉफ्ट और फूली फूली बनेंगी। और हम एक प्लेट से ढककर आटे को अभी एक साइड में रख देंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो आलू बॉईल करके रखे हैं इनको मैं छील लूँगी। तो मैं यहाँ पर आलू को दो जगह तैयार करने वाली हूँ, एक तो सब्जी के लिए और दूसरा आलू की कचौड़ी के लिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक प्लेट में बड़े साइज़ के आलू रखे हैं और यहाँ पर आटा भी मेरा लगकर तैयार है और ये आटा लगभग रेडी हो गया है। और उसके बाद ये जो कचौड़ी वाले आलू हैं इसमें हम थोड़ा सा मिर्च मसाला ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, क्योंकि हमने आटे में भी नमक डाला है। और उसके बाद हम आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर इस आलू में मिला देंगे और दो चम्मच धनिया पाउडर मिलाएंगे। और फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, बट मेरे घर में छोटे बच्चे हैं तो बच्चे हरी मिर्च इस तरीके से नहीं खाते हैं, तो मैं यहाँ पर हरी मिर्च का यूज़ नहीं कर रही हूँ। और हम इसे हाथ से इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब ये आलू कचौड़ी के लिए एकदम रेडी है और यहाँ पर आलू भी रेडी है। तो अब मैं यहाँ पर बनाऊँगी टमाटर आलू की सब्जी, जिसके लिए मैंने कढ़ाई को पहले गर्म करने रख दिया था और इसमें मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दिया है। तो अभी ये तेल गर्म हो चुका है और अब हम इस तेल में डालेंगे एक चुटकी हींग, थोड़ा सा जीरा, और जैसे ही जीरा तड़क जाएगा इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। और ये हमने जो टमाटर और हरी मिर्च की प्यूरी बनाई थी इसको हम कढ़ाई में डाल देंगे और हम इसे अच्छे से भून लेंगे। टमाटर को भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। हमने टमाटर की प्यूरी में भी एक हरी मिर्च डाली थी, तो हम यहाँ पर मिर्च थोड़ी सी कम डाल रहे हैं। और दो चम्मच धनिया पाउडर डालकर हम मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और हम मसालों को थोड़ी देर तक भूनेंगे। और जब मसाले अच्छे से भून जाएंगे उसके बाद हमने जो ये दो से तीन छोटे साइज़ के आलू हैं, जिसको मैंने इस तरीके से छोटे छोटे पीस में फोड़ लिया था, और हम इसे थोड़ा सा पानी डालकर इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हम यहाँ पर टमाटर आलू की सब्जी बना रहे हैं आलू की कचौड़ी के साथ, तो जो सब्जी होगी उसमें आलू के पीस बहुत बड़े नहीं होने चाहिए। तो अगर बड़े लगते हैं तो आप यहाँ पर स्पून से ही इसको इस तरीके से फोड़ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसमें अभी थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है, क्योंकि सब्जी मुझे बहुत गाढ़ी लग रही थी। और उसके बाद हम स्वाद के अनुसार सब्जी में नमक डाल देंगे और हम सब्जी को उबाल आने के लिए दो से तीन मिनट तक इस तरीके से छोड़ देंगे। और दो से तीन मिनट के बाद जब सब्जी में उबाल आ जाएगा तो हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे और थोड़ा सा आमचूर पाउडर ऐड करेंगे, क्योंकि मेरे घर में टमाटर आलू की सब्ज़ी थोड़ी सी खट्टी सब लोग खाना पसंद करते हैं, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल दिया है। और उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी कटा हुआ हरा धनिया, जो कि मैंने पहले से ही काट कर रखा था। और हरे धनिया को डालकर हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और यहाँ पर बनकर तैयार हो जाती है स्वादिष्ट टमाटर आलू की सब्जी। और यहाँ पर सब्जी तो बन चुकी है, तो अब हम यहाँ पर कचौड़ियाँ बनाना स्टार्ट करेंगे। ये जो आटा है, आटा भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट अच्छे से रेडी हो गया है। तो हम यहाँ पर छोटी छोटी इस तरीके से लोई लेकर बेल लेंगे और इसके बीच में हम आलू रख लेंगे। और आलू को रखकर इस तरीके से हम इसको बंद कर लेंगे और हम इसे बंद करने के बाद हल्के हाथों से इसको बेल लेंगे। फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, आलू की कचौड़ी में आटा और आलू दोनों ही बहुत मायने करते हैं और इसका बेलना भी बहुत मायने करता है। तो आटा जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, जो भी हम रोटी का भी आटा लगाते हैं उससे भी ज़्यादा। और आलू में आलू के पीस बड़े बड़े नहीं होने चाहिए। और उसके बाद जब हम कचौड़ी को बेलते हैं तो बहुत सॉफ्ट हाथों से हमें कचौड़ी को बेलना होता है। तो मैं यहाँ पर आपको एक और कचौड़ी इस तरीके से बेल कर दिखा रही हूँ और आप देख सकते हैं, और कचौड़ी को बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेला जाता है। जैसे कि मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं आलू की कचौड़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। सो
सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये चार कचौड़ियाँ अभी बेल ली हैं और मैं आगे इन कचौड़ियों को अब फ्राई करूँगी। तो मैंने यहाँ पर कचौड़ी को फ्राई करने के लिए पहले ही कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख दिया था, और जैसे ही ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो जाए तो हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और हम कचौड़ी को कढ़ाई में इस तरीके से दो दो करके डाल देंगे। जितनी भी आपकी कढ़ाई में आ सकती हैं, तीन या फिर चार आप डाल सकते हैं, या फिर एक एक करके भी सेक सकते हैं। और मैं यहाँ पर कचौड़ी को सेक रही हूँ रिफाइंड ऑयल में, और जैसे ही थोड़ी सी कचौड़ी सेक जाए तो हम इसको थोड़ी थोड़ी देर में इस तरीके से उलटते पलटते रहेंगे, जिससे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये कचौड़ी दोनों ही फूल चुकी हैं, और इस तरीके से अगर आप आलू की कचौड़ी बनाएंगे तो फिर आपकी आलू की कचौड़ी बहुत सॉफ्ट भी बनेगी और इस तरीके से फूली फूली बनेगी, जो कि सबको ही बहुत अच्छी लगती है। तो हम इसको अभी थोड़ा सा हल्का ब्राउन होने तक सेक लेंगे, और ये कचौड़ी यहाँ पर अच्छे से सेक चुकी है, तो हम यहाँ पर इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। और उसके बाद हमने जो और दो कचौड़ियाँ बेली हैं इसको भी हम कढ़ाई में डाल देंगे और हम इनको भी अच्छे से सेक लेंगे। फ्रेंड्स, थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हैं ये कचौड़ियाँ भी हमारी सीककर तैयार हो गई हैं, और ये भी उसी तरीके से फूली फूली अच्छी अच्छी कचौड़ियाँ सीकी हैं, और यहाँ पर हम इनको भी प्लेट में निकाल लेंगे। तो अभी हमने यहाँ पर चार कचौड़ियाँ सेक ली हैं, तो अब हम यहाँ पर खाने के लिए खाना सर्व कर लेते हैं। जैसा कि आप सब लोग ही जानते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो मैं हमेशा गर्म ही गर्म बनाती हूँ, और बनाने के साथ ही मैं सर्व भी करती जाती हूँ बच्चों को और इनके लिए। तो मैं यहाँ पर एक थाली लगा रही हूँ इनके लिए, तो बच्चे भी इनके साथ ही खा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक कटोरी में ये टमाटर आलू की सब्ज़ी को सर्व कर लिया है, और उसके बाद जो मैंने हरी धनिया और लहसुन की चटनी बनाई है इसको भी हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर ये जो हमने आलू की कचौड़ियाँ सेकी हैं इसको भी हम थाली में रख लेंगे, और इसके साथ मैं यहाँ पर सर्व करूँगी थोड़ा सा ये मिक्स अचार। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज का ये मेरा इजी एंड क्विक डिनर बनकर रेडी हो गया है, और आप लोगों की रिक्वेस्ट पर आज मैंने आपके साथ इस रेसिपी को भी शेयर कर दिया है। आई होप फ्रेंड्स, आपको आज का ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा। जैसा कि फ्रेंड्स, अभी का वेदर है ठंडी में बारिश, और इस तरीके का खाना आप अपने घर में अपने फैमिली मेम्बर्स को बनाकर खिलाइए। यकीन मानिए फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर्स इस खाने को बहुत ज़्यादा खुश होकर खाएंगे। आप चाहें तो इसे ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं, लंच में बना सकते हैं, डिनर में बना सकते हैं। इसको सब लोग ही बहुत ज़्यादा खुश होकर खाना पसंद करते हैं, और मेरे घर में सबको ये डिनर बहुत पसंद है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, आगे मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।